दादी माँ देखिए बेबी फाई ने चार्ट बना के दिया है। अच्छा ला। अरे गोदावरी चिक्की को गरम गरम काट ले वरना ठंडी हो जाएगी तो काटना मुश्किल होगा। हाँ हाँ एक मिनट। अरे नर्सी फिर बना लेंगे पर सौमिल क्या दिखा रहा है ये तो देखे। अरे वाह ये तो पूरे हफ्ते का चार्ट है। मंडे को नाश्ते में बाजरे का लाओ मैं पढ़ती हूँ। नाश्ते में बाजरी का रोटला दोपहर को दाल ढोकली और गवार की सब्जी। और ये क्या है? ये सौमिल किसके साथ सोएगा वो है। मंडे को अपनी दादी माँ के साथ, ट्यूसडे को दादाजी के साथ और वेडनेसडे को अदा के साथ। दादी माँ जब करते तो मुझे बहुत मजा आता है। और ये है कहानियों का कॉलम। हमने इसकी भी लिस्ट बनाई है ताकि कोई स्टोरी रिपीट ना हो, है ना? गुड आइडिया नो दादी माँ। गुड आइडिया यस। देखिए मंडे को आप सौमिल को राजकुमारी वाली स्टोरी सुनाएंगे, वो जो आपने चैताली को सुनाई थी ना वो वाली। ट्यूसडे को बापूजी सौमिल को नाटक वाली कहानी सुनाएंगे, ये। और वेडनेसडे को मोटा बाइक इंश्योरेंस वाली कहानी। दादी माँ मेरा भी इंश्योरेंस किया हुआ है। क्या हुआ बोलिए ना। हाँ बेटा सबके इंश्योरेंस है। बेबी चार्ट के ऊपर मैंने क्या लिखने को कहा था याद है? हाँ बा लिखा है पर मैं भूल गई थी। जब मैं ये कुशन चढ़ाऊंगा ना तभी बोलने का। हाँ चल 1 2 3 स्टार्ट। गट्टू काका। हाँ सुमित बोल। ये कुशन वो है ना मैंने साइड में रख दिया क्योंकि बाने बोला है कि सौमिल जब भी कुछ बोले ना तो सब काम साइड में रख देने का और उसकी बात सुनने का। तो अभी मेरे पास काम नहीं था ना तो मैंने लीला भाभी के पास काम मांगा और फिर अभी तूने बोला तो मैंने काम साइड में रख दिया। हाँ, अभी बोल। अभी बोलने का तो बताइए मैंने जो स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए कहा था उसका क्या हुआ? वो प्रवीण भाई ऐसे वो है ना तेरा और सलोनी का दोनों का एम्बिशन कराने वाले मिताली चैताली के स्कूल में। लेकिन अगर वो एम्बिशन नहीं करा पाए तो पहले ही सपने में से आउट। और बोल। बस हो गया मजा से। सौमिल फिर से वाले। यार। चैताली होमवर्क हो? ये नालायक ये कवर क्यों फाड़ रही है तू? बेहुल क्या कर रहा है? इसे दूसरा कवर लगा के दे। मुझे ये सब काम करने की फुर्सत नहीं है। हाँ, ऐसा कौन सा महान काम कर रहा है तू जो तुझे फुर्सत नहीं है? हाँ बेहुल अरे पेंसिल क्यों खराब कर रहा है? मिताली इसे समझा तो। ये क्या प्रेस किए हुए कपड़े क्यों खराब कर रही है तू? मिताली इसमें की प्रेसिंग जारी रिंगल कर दो ना। ओहो ये क्या हो गया है तुम लोगों को? एक साथ पागलपन का दौरा पड़ा है क्या? प्रवीण ओहो क्यों चिल्ला रही हो? चिल्ला के क्या फायदा होगा? अरे फायदा नुकसान छोड़ो इन नालायकों ने तुम्हारा कितना नुकसान किया ना वो देखो पहले। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का? अब स्कूल कैसे जाओगे? चैताली कैसे जाओगे स्कूल? हमें नहीं जाना स्कूल। क्यों?
हमारे घर में रूल बना था ना कि सौम्य के सारे सपने पूरे करेंगे, तो फिर उसका पहला सपना क्यों नहीं पूरा करते? और आप लोगों ने प्रॉमिस भी किया था कि उसका एडमिशन हमारे स्कूल में कराओगे, सौम्य हमारे स्कूल में ही आएगा। अच्छा, मतलब सत्याग्रह करोगे तुम लोग? हाँ करेंगे। एक मिनट बच्चों, कल मैं और सुबोध काका तुम्हारे स्कूल जाकर सौम्य का एडमिशन करवाएंगे। और हमारे बीच क्या तय हुआ था, पहला रूल क्या था, कोई भी आंसू नहीं बहाएगा। कल सौम्य को तुम लोग अपने साथ ही स्कूल ले जाना। हा? चलो अब खुश हो जाओ। चलो चलो बच्चों, जल्दी जल्दी नाश्ता रेडी है। मीनाक्षी, गुड मॉर्निंग। रात को तूने ही कहा था ना कि सुबह का नाश्ता तू बनाएगी। जय श्री कृष्ण प्रवीणा भाभी, तेरी अब गुड मॉर्निंग हुई है? अरे सौम्य सलोनी को बच्चों के साथ स्कूल जाना है एडमिशन लेने, नाश्ता बनाने के बजे तू यहाँ बैठी बैठी सो रही है। बा ने कहा है कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, सौम्य का टाइम बहुत कीमती है ना। बस हो गया? नहीं नहीं, और भी है। तो बोल। वो भाभी, मुझसे जल्दी जल्दी काम नहीं होता, इसलिए सोचा सुबह 4 बजे ही उठकर नाश्ता तैयार कर लूं। नाश्ता कहाँ है मीनाक्षी? वहाँ बाहर डाइनिंग टेबल पे सब रख दिया है भाभी, और सौम्य का स्पेशल पोहा यहाँ है, देखिए। सॉरी मीनाक्षी, वो मैंने वहाँ सब कुछ खाली देखा तो। अरे ये मंदिर का टीका, तू मंदिर गई थी? हाँ, नहा के 4:45 बजे ही मंदिर पहुँच गई थी, और गट्टू भाई ने कहा है कि उस वक्त कान्हा जी फ्री होते हैं। चल अब मैं तुझे फ्री करती हूँ, जा जाकर सो जा। नहीं नहीं भाभी, मैं सोऊंगी नहीं, एक बहुत ही जरूरी काम है, वो करके आती हूँ। क्या सीक्रेट है भाभी? जय श्री कृष्ण। अरे चलो चलो, बहुत भूख लगी है। ला 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 प्रवीणा, क्या बना नाश्ते में? बटाटा पोहा। बटाटा पोहा? और कुछ नहीं आता तुम्हें बनाना? जो है वो चुपचाप खा लो, अगर आज सौम्य और सलोनी को एडमिशन नहीं मिला ना तो भूखा रहना पड़ेगा। अरे मिल जाएगा एडमिशन, मैं जा रहा हूँ। वही तो। क्या वही तो? हमारे सौम्य का पहला सपना मैं पूरा करूंगा। आप एडमिशन दिलवा के आइए, मैं आपके लिए चीज चिली टोस्ट बना के रखूंगी। चीज चिली टोस्ट? अरे वाह। लेकिन उसमें तो ब्रेड होता है, और हमारे घर पे ब्रेड अलाउड नहीं है। वो मैं देख लूंगी। अरे वाह शिल्पा, मेरी तो लाइफ बन जाएगी। बरसों से मेरा यही सपना था कि बाकू मैं ब्रेड दिखा दिखा के खाऊं। आप सौम्य के पहले सपने को पूरा कर रहे हैं, मैं आपके सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। डन। चीटिंग, तुम सब लोग ने चीटिंग की ना, मुझको बोला है अभी नहीं नाश्ता करने को, और अकेले अकेले खाने को बैठ गए, ऐसा थोड़ी चलता है सी यार। गट्टू काका। नहीं मैं किसी का सुनने वाला नहीं हूँ अभी। अरे सुनिए तो गट्टू काका। गट्टू काका, गट्टू काका। बोल समीर, बोल बोल बोल, जल्दी बोल। आप मेरे साथ चल रहे है ना? राम राम, मैं चल रहा हूँ, चल जल्दी चल, चल। अरे गट्टू बाद में, पहले नाश्ता तो कर ले, फिर नाश्ता कर। हाँ, फिर सब साथ में जाएंगे। प्रवीण भाई, आप किसी और को भी साथ ले जाइए ना। अरे नहीं नहीं, मैं अकेला काफी हूँ उस प्रिंसिपल के लिए। चल सुबोध। अरे हम कब से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और आप है कि एक ही बात रटे जा रहे हैं। प्रवीण भाई आप शांत रहिए ना। अरे क्या शांत रहो सुबोध, कब से समझा रहा हूँ इन्हें। मिड टर्म देखिए, हमारे भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। दिवाली की छुट्टियां तो आ ही रही है, अभी एडमिशन दिलवा के क्या फायदा होगा? मतलब क्या है आपका? अगर हम दिवाली के बाद एडमिशन लेंगे तो आप हमें फीस में डिस्काउंट देंगे? डिस्काउंट? हाँ। यहाँ कोई सेल चल रहा है, और इतनी हड़बड़ी क्यों है आपको? हड़बड़ी इसलिए प्रिंसिपल साहब क्योंकि हमारा सौम्य कल से आएगा स्कूल में, समझे आप? प्रवीण भाई देखिए, कुछ तौर तरीके होते हैं कि नहीं? आप मुझे तौर तरीके मत समझाइए प्लीज। याद है आपको, पिछले महीने आपको एक एप्लीकेशन भेजी थी कि मेरे बच्चों को मलेरिया हुआ है, याद है?
हाँ, मैंने एक्सेप्ट की थी। वो हम लोग पिकनिक पे गए थे। क्या कर लिया आपने? अरे आप गार्डियनों का ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे क्या करेंगे? अभी मुझे याद आ रहा है, चैताली और मानव आए थे मेरे पास, कह रहे थे उन्हें फिर से मलेरिया हुआ है, उन्हें घर जल्दी जाना है। क्या? लेकिन वो तो घर आए नहीं थे, तो फिर गए कहाँ थे? क्या कर क्या रही थी आपकी सिक्योरिटी? हाँ एक मिनट प्रवीण भाई, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। देखिए प्रिंसिपल साहब, हम यहाँ फिजूल में बहस करने नहीं आए, हमारी मजबूरी है। आप सौमिल और सलोनी को यहाँ एडमिशन दे दीजिए, क्योंकि हमारा सौमिल, देखिए वो जो भी हो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, रूल्स के हिसाब से मैं बीच में किसी को एडमिशन नहीं दे सकता, और फिर कुछ दिन की तो बात है। यही कुछ दिन तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल सर, क्योंकि सौमिल के पास इतने ही दिन बचे हैं। वो टर्मिनली इल है। देखिए सौमिल एक एक दिन अपने भाई बहनों के साथ स्कूल में बिताना चाहता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं ट्रस्टी से बात कर लेता हूं। नो नो इट्स ओके, मैं बात कर लूंगा, आप सिर्फ लिख कर दे दीजिए और मैं एक बार सौमिल से मिलना चाहूंगा। हाँ जरूर। और एक बात प्रिंसिपल साहब, आपने हमें बहुत ही हर्ट किया है, इसलिए आज से हम हमारे किसी भी बच्चे की मंथली फीस नहीं भरेंगे। क्या कर रहे हैं आप प्रवीण भाई? अगर आप चाहें तो मैं सौमिल की फीस माफ कर सकता हूँ। नहीं नहीं प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं, ये तो नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं किसी की फीस नहीं रोकूंगा, आप अपने मन से जो भी डिस्काउंट देना चाहें दे सकते हैं। सौमिल कहाँ है? गट्टू काका अभी सिर्फ रिसेस ही हुई है। अरे सौमिल, तेरा और सलोनी का एडमिशन हुआ? नहीं, वो सुबोध भाई ना, ऐसे वो और प्रवीण भाई, इन दोनों का 2 किलो एडमिशन लेने प्रिंसिपल साहब के पास गए। चलो नाश्ता खा लेते, रिसेस खत्म हो जाएगी तो हमें खाने भी नहीं मिलेगा। तो कोई बात नहीं, मुझे दे देना, मैं खा लूंगा। गट्टू काका, हम सब साथ में खाते हैं। हाँ, चल चल साथ में खाते, चल। थैंक यू सौमिल, आज तेरा और सलोनी का एडमिशन हो जाएगा, फिर हम सब रोज साथ में बैठकर खाएंगे। सीआर, तुम सब लोग साथ में मिलकर रोज नाश्ता करोगे रिसेस में, और मुझे अकेले को घर पे खाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलता है। मैं भी स्कूल में जाता था ना, तभी रोज खाता था रिसेस में। अच्छा? हाँ, लेकिन फिर तीसरी क्लास में मैं 4 साल तक पढ़ा ना, तो फिर टीचर ने बोला कि गोपाल ठक्कर अभी तुम घर पे बैठो, तो मेरा पचका हो गया। आप फिर से स्कूल में आना चाहते हैं गट्टू काका? हाँ, क्योंकि जो स्कूल में पढ़ता है उसको रोज रोज रिसेस में नाश्ता खाने को मिलता है ना। गट्टू सौमिल चलो नहीं, चलो चलो चलो, आजा बेटा, आजा आजा बेटा। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? मैं भी कम इन सर। प्लीज कम इन। सलोनी हर्षद ठक्कर। And what is your name, young boy? सोमिल हर्षद गोदावरी लाभशंकर ठक्कर। अभी अपना नाम बोलो। गट्टू। पर ऐसा रूल है, जब पहली बार मिलते हैं ना तो दूसरे का नाम पूछते हैं ना, तो अपना नाम भी बताना पड़ता है। एक मिनट बेटा, अभी मैं सौमिल से बात कर रहा हूँ ना। हाँ सौमिल, कौन सी क्लास में पढ़ना चाहेंगे आप? मैं बोलूं? वो उधर है ना, उधर से ऐसे जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं ना, तो वो क्लास है ना, उसकी खिड़की से पाव भाजी वाले दिखता है, वो क्लास में सौमिल को। वो देखो, उस दिन जब भी आप छोटे थे तभी मैं वो क्लास में था, तभी मैंने ऊपर से ऐसे पाव भाजी वाले को ऐसा किया था, तो फिर उसने सुना नहीं था, तो फिर मेरे बाजू में वो रमेश बैठते थे ना, रमेश ऐसा मसा वाला, उसने फिर उसको ऐसा ऐसा गुलेल से मारा था, तो फिर पापा जी वाले ने बोला था, ओ, ओ,
फिर मैंने बोला कहा बाबा जी जाइए बाबा जी ऐसे ऐसी छम छम ये नया वो क्लास में सोमिल को कटो अच्छा सोमिल ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ना चाहेंगे आप क्लास फोर्थ में मानव के साथ लेकिन जनरल नॉलेज की क्लास में मेहुल मेताली चेताली को भी आने दोगे ना हमारे साथ ओके थैंक यू यू आर वेलकम कोई और विश है आपकी आप पूरी करेंगे यस ऑफ कोर्स प्रॉमिस यस प्रॉमिस तो फिर हमारे साथ गट्टू काका को भी आने दोगे स्कूल में गट्टू काका ये गट्टू काका कौन है मैं गट्टू काका हूँ अरे गोपाल गोदावरी लपशंकर जमनादास मणिलाल वल्लभदास ठक्कर 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 मैं हूँ आप आने दोगे ना गट्टू काका को प्लीज मैं भगवान के घर जाने वाला हूँ ना ओके सौमिल यहाँ चिल्लाना मना है मैं बाहर जाके चिल्लाऊ हाँ जा सब मिलकर सौमिल का सपना पूरा करने चले लेकिन उसने तो गट्टू का सपना पूरा कर दिया बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं अर्शद ने अपने बच्चों को स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को